पिछले 15 साल से डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटीज काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ नौयत के काम है। रिसेंटली हम जिस जगह पे मौजूद हैं आज वो अल्ला डेनो साइड है, जो मलिर में है, मेमनगोट से थोड़ा करीब 4-5 किलोमीटर आगे, और M9 के बिल्कुल, ये M9 के साउथ में तकरीबन 8-9 किलोमीटर के मुफासले पे पड़ती है। डमलोडी नंबर 3 कुएँ हैं ब्रिटिश टाइम के, उसी में है ये। यहाँ पे काफ़ी सारी एक्सिबिशन पहले भी हुई हैं। रिसेंटली मार्क किनायर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर कलीम लाशारी साहब कर रहे हैं, उनके साथ मैडम असमा कर रहे हैं, रेडी साहब हैं, और हमारे साथ ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और डिपार्टमेंट के लोगों ने खूब सारा इसमें हिस्सा लिया है। तो मेरा आज कहने का मकसद ये है कि जो भी सिंध के स्टूडेंट हैं या जो बाहर रहते हैं यूनिवर्सिटियों में, जो आर्कियोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी अपना कांटेक्ट नंबर, यूनिवर्सिटी, अपनी एजुकेशन दें तो हम आगे जो एक्सिबिशन करेंगे, जैसे ये लोग हैं, आप भी आएँ और इसमें हिस्सा लें। इस एक्सिबिशन में खुदाई में जो हमें ख़ास चीज़ें मिली थी वो मड वाल थी, यानी मट्टी वाली दीवारें, और उनसे काफ़ी चीज़ें भी दरियाफ्त हुई, यानी कमरे मिले। और इसके अलावा ख़ास करके नदीम साहब हैं, कुद्दूस साहब हैं, इन लोगों ने भी खुदाई की है। तो नदीम साहब, आपका कैसा रहा है एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जाहिर साहब पहले बता चुके हैं कि अल्ला डेनो साइड पे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है। तो इस एक्सकेवेशन में हमारा दूसरा सीज़न है, और हमारी खुशकिस्मत ये है कि मार्क नर जैसे लेजेंड आर्कियोलॉजिस्ट के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि साइट पे पहले भी एक्सकेवेशन हो चुका है 75 में फेयर सर्विस के दौर में, लेकिन उसके बाद साइट की कोई देखभाल वगैरह नहीं हुई और वो तबाह हो चुका था। तो इस वजह से मार्क नायर ने और हमारे जो अली भाई वाले और डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी वाले हैं, उन्होंने सोचा है कि साइट को प्रिजर्व करें और जो साइट की हिस्सा जो बच चुका है उसको दोबारा एक्सकेवेट करें। और जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी से जिनका वास्ता है, और उनको मौका दें और यहाँ पे एक्सकेवेशन कराएं। और मैं जो है सिंध यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी से पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, और यूनिवर्सिटी पढ़ने के साथ साथ जो फील्ड वर्क है आर्कियोलॉजी के लिए एम है, क्योंकि आर्कियोलॉजी है ही फील्ड वर्क। तो यहाँ पे हमने 2 सीज़न मार्क नायर के साथ काम किए, बहुत एक्सपीरियंस हमें मिला है मार्क नायर के साथ काम करके। और ज़ायद पहले बता चुकी हैं कि यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब के जो मड ब्रिक्स वाल है और वो है, तो इससे हमें एविडेंस मिलते हैं कि ये जो साइट है ये तकरीबन बिलोंग करता है हड़प्पन पीरियड से, क्योंकि जो इसके वाल्स हैं उनकी जो मेजरमेंट हम लेते हैं तो सेम है, और जो ब्रिक्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो भी तकरीबन सेम है। जो यहाँ से हमें पोट्री मिलती है, कोडीजिन पोट्री मिलती है, बलूचिस्तान वेयर बफ पोट्री वगैरह जो हमें मिलती है, तो हमें यहाँ से इनसे पता चलता है कि एविडेंस हमें मिलते हैं कि ये साइट जो है हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करता है। और ज़ायद पहले भी कह चुके हैं कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो है वो दिलचस्पी रखते हैं इस काम में, तो रابطہ करें और आएँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पढ़ने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर फील्ड होगा तो बंदे को आर्कियोलॉजी समझ आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कुद्दूस और मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का ग्रेजुएट। मैंने 2023 में की थी ग्रेजुएशन आर्कियोलॉजी में, और उसके साथ साथ जो था मैं मुख्तलिफ मिशन के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे कि इटालियन, फ्रेंच और यब में काम कर रहा हूँ अमेरिकन के साथ। इस मिशन की ख़ास बात यह है कि ये एक्सकेवेशन कम है, इसके साथ ट्रेनिंग सीजन सेशन जो है वो एक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर एक्सकेवेशन जो इतने बड़े पैमाने में नहीं हो रही, मगर यहाँ पर ट्रेनिंग जो है ये खुशाइन बात यह है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी मुफीद है, क्योंकि ये जो सब मार्क नायर जो हैं प्रॉपर तरीके से हमें जो है सुबह से लेकर यानी कि शाम तक खाने तक हम साथ होते हैं, तो हमें एक एक चीज़ जो है ख़ुद समझा रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के साथ जो कि बिगनर लेवल पे हैं, जो कि यानी कि इन्होंने इनरोल हुए हैं आर्कियोलॉजी में, या फिर जो ग्रेजुएट हुए हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं इसमें पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, फील्ड वर्क के लिए,
तो उनके लिए एक जो है एलआर यूनिवर्सिटी में जो काम चल रहा है ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म होगा उनकी ट्रेनिंग के हवाले से। इसके साथ साथ इस वक्त जो है कल्चर डिपार्टमेंट जैसे एंटीपिटीज़ है और सीस पाकिस्तान जो है ये काफ़ी जो है हमारी जो है आर्कोलॉजिकल साइट्स जो हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए या फिर उनकी डिस्कवरी के लिए उनकी सर्वे के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। ये एक हमारे फ्यूचर में आने वाले रिसर्चर के लिए या जो यंग रिसर्चर हैं उनके लिए काफ़ी खुशाइंद बात है। तो इससे ये फ़ायदा होगा अगर हम इसमें अभी एक्सकवेशन कर रहे हैं तो हमारे नेक्स्ट जो हैं हमारे जूनियर्स जो आएंगे यहाँ पे काम करेंगे वो एक अलग तरीके से इसको देखेंगे, इसको अलग तरीके से गाइड करेंगे। अभी जो है हम थर्ड सीज़न चल रहा है इसका अल्लाह इनो साइड पे। जैसे जैसे इसके सीजन आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे सर मार्क नायर ने कहा है कि आगे सीज़न में भी इसमें काम होगा तो उसमें जो है आप सब लोग जो मोस्ट वेलकम हैं। जाहिद भाई ने जैसे कहा कि आप अपनी CV भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल जो भी आपको बेहतर लगे जिस तरीके से भी आप रीच कर सकते हैं रीच करें जाहिद भाई को। ये जो है तकरीबन जितनी भी कोशिश हो सकती है सबको यानी कि इंगेज करने की कोशिश करते हैं इसमें। इस वक्त भी तकरीबन हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जो है स्टूडेंट्स हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम भी हैं, हमारे साथ जो बाकी हमारे जूनियर्स भी काम कर रहे हैं, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इंटरेस्टेड थे आर्कियोलॉजी में, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर जो है रूट तैयार किया गया था। उनकी गाड़ी लेके आती थी, वो यहाँ पे एक्सकवेशन करते थे, वो सीखते थे और ये उनके लिए भी काफ़ी मुफीद थी। जैसे कि कुद्दूस भाई ने बताया कि एक्सकवेशन कम और ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही है, ये हकीकत है कि यहाँ पे फोकस जो है ट्रेनिंग का है कि आर्कियोलॉजी सिखाई जाए स्टूडेंटों को आगे। अब बाहर वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास जो ये टीम है नौजवान अभी आए हैं ये अच्छा खासा सीख गए हैं। तो फारूक साहब हैं हमारे साथ कराची यूनिवर्सिटी से, इनसे थोड़ा हाल अहवाल लें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि मेरा नाम फारूक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मेरे आने से पहले जाहिद भाई और कुद्दूस भाई और नदीम भाई ने एक डिटेल जो है अपना वो तजुर्बा या उस इस साइट के हवाले से या इस साइट की लोकेशन के हवाले से जो है वो बातचीत की, तो मैं भी दो चार बातें जो है उसमें ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये जो साइट है वो आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी जो साइट कदीम साइट जो है, इस साइट की एक दूसरी खासियत ये है कि ये जो साइट है दूसरी जो हमें साइट्स मिलती हैं वो ज़्यादातर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स मिलती हैं वो सिंधु नदी या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे हरापा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, लेकिन ये साइट्स जो है हमें इस मलीर नदी के नज़दीक मिलती है। आप इस तरफ जो है साइट के बराबर ही जो है मलीर नदी है, इसका मतलब ये है कि ये जो थी मलीर नदी या ये जो कराची का जो भी हिस्सा है इसका मेमन गोट का ये कदीमी हिस्सा है, ये तारीखी हिस्सा है। मतलब कि आज इससे पहले जो 5000 साल से यहाँ जो लोग थे यहाँ लोग वो बसते थे, और उसके अलावा यहाँ जो हमें वॉल्स के स्ट्रक्चर मिले हैं ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहाँ हमें ऐसी वॉल्स मिल रही हैं जो मड ब्रेक की बनी हुई हैं। ज़्यादातर अगर हड़ापा की बात करें तो हड़ापा में ज़्यादातर हमें जो ब्रेक जो होती है पकी हुई ब्रेक होती है मड ब्रेक उस वो मिलती हैं, यहाँ हमें कच्ची मिल रही हैं, उसकी जो एक बाउंड्री वॉल भी मिल रही है। और ज़्यादातर यहाँ जो एक्सपीरियंस तजुर्बा हमें ज़्यादा जो है हम गेन कर रहे हैं क्योंकि जोनाथन मार्क किनोयर साहब जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, मौजूदा दौर के सबसे बड़े जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और वो ना सिर्फ हमें एक्सकवेशन सिखा रहे हैं बल्कि उसके अलावा जो होती है कैटालॉगिंग हो गई या पोट्री की क्लासिफिकेशन हो गई या जो दूसरे आर्टिफैक्ट मिल रहे हैं उनके बारे में सिखा रहे हैं। और उनके साथ जो हैं डॉक्टर रैंडल ला, और डॉक्टर रैंडल ला भी जो है हमें काफ़ी कुछ जो है उसके बारे में जो है इस साइट के हवाले से या इस इलाके के हवाले से या यहाँ से जो भी नेचुरल या जो भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं। तो जैसा कि जाहिद भाई ने बताया तो ये आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जो भी इस मुल्क में जितनी भी आर्कियोलॉजी
लॉजिकल आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में जो आर्कियोलॉजी पढ़ाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हम मधु करने की, जायद भाई वाले, सीस वाले या एंटीक्विटीज़ वाले मधु करने की कोशिश कर रहे हैं कि आएँ आर्कियोलॉजी सीखें। जोनाथन मार्क किनोयर तो आपको आर्कियोलॉजी सिखाएगा। हम सबको जो है, जो भी हैं आर्कियोलॉजिस्ट इस मुल्क के, उन सबको इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ जो नेक्स्ट सीज़न या दो तीन महीने के बाद जो एक्सकर्शन होगी उसमें हिस्सा लें। जैसे कि फारूक ने ज़बरदस्त बात की कि ये जो है हम इंडस की बात कर रहे हैं और ये जो है मलिर की नदी पे है। तहजीबें कैसे बनती हैं? तहजीबें ऐसे ही बनती हैं, पहले पानी था आज नहीं है, चीज़ें दफन हो गई, लोगों ने इधर से उधर चले गए। मोहनजोदड़ो इतना बड़ा शहर था, आज वो चलो वो तो दरियाए सिंध आज भी उस बहाव से बह रहा है, लेकिन वो एक तबाही हुई। अभी तक तो ये पता चला है कि इसी पानी में एक शहर बना, दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा। सेला भी सूरत हुई, यानी कुदरत अपना जब किरदार दिखाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। आज मलिर नदी में पानी बिल्कुल नहीं है, सूखी पड़ी हुई है। और नया जुल्म बताऊं मैं आपको तो वो ये है कि मलिर पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है एक्सप्रेस, वो बीच नदी में है। अब नदी जो है दो हिस्सों में बन गई, इसी पे बैरिया टाउन भी बन गया। खैर ये आउट ऑफ साइड बातें हो रही हैं, नेचर जब अपना किरदार अदा करती है तो फिर ऐसा अफेक्ट नज़र आता है। तो शहर ये बहुत बड़ा होगा। दूसरी चीज़, हमेशा लोग अपने उसमें किरदार में कहते हैं 17वीं सदी का था, 16वीं सदी का कराची था। आज हम कराची में ही तो हैं, ब्रिटिश कहाँ आया? जब वहाँ मनोड़ा पे हमला किया तो फिर उन लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंट की। तो अब हम 4-5 हज़ार साल, 5,500 साल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं, टेस्टिंग हुई है, कोयला दरियाफ्त हुआ, वो चारकोल जो है उसकी टेस्टिंग अमेरिका से हुई। तो ये सारे सबूत हैं और ये बताते हैं कि ये शहर पहले से आबाद थे, ऐसा नहीं था कि हड़प्पा। अब ये चीज़ कराची में मौजूद है या आप यहाँ से ये चीज़ देखने के लिए हड़प्पा जाएंगे, तो मैं उस्तादों से भी ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने स्टूडेंट का दें कि जाके वो सीखें। हम भी आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट में, ये ऐसा नहीं है कि सब आ जाएं हो जाए। तकरीबन अभी रिसेंटली भी 20-25 लोग जो थे इसमें हिस्सा ले चुके हैं, और खुद टीचर्स भी, वो भी, क्योंकि अब मार्क साहब तो बड़ी बात हैं। तो हमारे साथ हैं पृथ्वी से थोड़ा हाल वाल लें और खालिद भाई से, और रिकॉर्डिंग जो है वो ताहिर भाई कर रहे हैं, ये भी स्टूडेंट हैं सिंधु यूनिवर्सिटी के। पृथ्वी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पृथ्वीराज है और मैं सिंधु यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें बहुत अच्छी फाइंडिंग्स वगैरह मिली। हमने 2 सीज़न यहाँ पे काम भी किया, और बड़ी बात है कि मार्कनायर जैसा बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट हमें डाउन टू अर्थ बंदा जो है वो हमें सिखाता है सही तरीके से हर एक चीज़ माइनर। और मेन बात है कि जो अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब के एक्सकेवेशन के जो मेथड्स हैं वो बिल्कुल अपग्रेड हो गए हैं। हमने इटालियन के साथ भी काम किया, फ्रेंच के साथ भी काम किया, तो उनमें डिफरेंट जो टेक्निक्स है वो यूज़ करते हैं। हमें ये एडवांटेज है इनसे कि मार्कनायर जो है वो हमें मैनुअल तरीका सिखाता है कैसे मैनुअल तरीके से एक्सकेवेशन की जाती है और कैसे हड़प्पा में उस दौर में एक्सकेवेशन हो सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टोटल स्टेशन नहीं है तो लेवल हम बबल लेवल के ज़रिए ले सकते हैं। सेक्शन ड्राइंग जो है अभी के दौर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से होती है, तो ये हमें मैन्युअली स्केच कराते हैं सेक्शन ड्राइंग मेयरमेंट के हिसाब से। तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मार्कनायर साहब के साथ, और डॉक्टर रेंडियल ला जो लिथिक स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा रहा। तो ये मेरी बात है, स्टूडेंट्स को मौका मिलनी चाहिए और जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और इसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ से जो ट्रेन होकर निकलेंगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, क्योंकि जो यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलेंगे, जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारे विरसे हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे उनको ही उनका जो अहमियत है उनके बारे में पता है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो है, जितनी भी हेरिटेज हैं,
उनको स्टूडेंट्स को ही उनके बारे में अवेयरनेस है, स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा तो वो जाके उनकी अहमियत के बारे में और उनको प्रिजर्व करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे यहाँ से ट्रेन होकर निकलेंगे तो गवर्नमेंट को उनको मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी जो वो। नदीम भाई का कहने का मकसद ये था कि डिपार्टमेंट जो है वो हमें फिर मौका दे। मैं ये कहूँगा कि जब आपकी CV में ये चीज़ ऐड हो जाएगी ना, आपने किसके साथ काम किया है, तो माशाल्लाह फिर तो कहेंगे यार इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है। ये मिसाल ले लें ना कि अभी आपकी CV में अल्लाह डिनोसाइड लगी ही ना हो, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ, कल डिपार्टमेंट भी इंशाल्लाह कहेगा, हम कहेंगे इतने लोग जो है आने के लिए तैयार हैं। अभी तो भाई वाल को कांटेक्ट किया तो वो आ गए, आप लोग आएँ तो बताएं ना, हम कहें कि जॉब के लिए CV दो तो इतनी सारी CV आ जाती हैं। और माशाल्लाह ये नहीं कहता लेकिन खाना पीना तो खिला रहे हैं अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि पैसा लगा हुआ है, खाना खिला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं और बहुत कुछ मिल रहा है। अब तो खालिद से ज़रा आप लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खालिद हुसैन सुमरो, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरों में 3rd ईयर कर रहा हूँ, अभी BS चल रहा है, 5th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, अभी यहाँ एक्सकर्शन कर रहे हैं और हमारा ये फर्स्ट टाइम है हमने फॉरेनर के साथ एक्सकर्शन स्टार्ट किए, जैसे कि डॉक्टर मार्कनर एंड सर रैंडी एंड साई कलीमुल्लाह शाही, काफ़ी लोग थे, अली लाल शाही साहब से पहली बार हमें हमारी जो मुलाकात वगैरह हुई है, साई कासिस मल्ला के साथ भी काम किया था 10 दिन वहाँ रमज़ान के, अभी इसी सीज़न में लाखन जो दड़ों पे वहाँ पे जो कासिस मल्ला साहब भी काम कर रहे थे, पर यहाँ जो काम हो रहा है बहुत टेक्निकल हो रहा है क्योंकि डॉक्टर जोनाथन मार्क बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने यहाँ फ्लोटेशन एंड यहाँ बहुत ही टेक्निकल काम यूज़ किया हुआ है, जैसे कि बबल लेवल हुआ एंड मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट, डेटम पॉइंट से लेकर एक एक मटेरियल जो हमसे हमें मिल रहा है वहाँ तक उसकी सेक्शन ड्राइंग, ये हमने पहली बार यहाँ सीखा है, जैसे ड्राइंग वगैरह हो गई, ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम है। उम्मीद करता हूँ आगे भी बहुत ही सीखेंगे, सीखने को मिलेगा, थैंक यू। जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं तो यहाँ पे फीमेल भी काम कर चुकी हैं, क्योंकि वो अभी हमारा क्लोजिंग टाइम है तो वो मौजूद नहीं है, तो फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, सिक्योरिटी है, दूसरी चीज़ें हैं, तो कोई भी आना चाहे फीमेल में तो वो भी हमारे साथ इस मिशन में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा कहने का मकसद है आप भेजें तो मैं आगे चीज़ें भेजूँगा। तो आप सिंध एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर सोसाइटी सीज पाकिस्तान जो हम कह रहे हैं वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेरा जाहिद हुसैन डेथो फेसबुक पे मैसेंजर पे या फिर मेल है gmail zahidhussaindetho@gmail.com, उस पर आप मुझे मेल करें तो मैं ये सारी चीज़ें आगे भेजूँगा। तो अभी तो हम काफ़ी चीज़ ट्रेंचें जो हैं उनको बंद कर चुके हैं, आपको वर्बली एक आधी जो मेन ट्रेंच है वो भी थोड़ी एक झलक दिखा देते हैं, और मेन जो हमारा कैमरा मैन था मैंने तो उसका इंटरव्यू लिया नहीं, अपना ताहिर भाई आप बताएं ज़रा। साइड पे आया हूँ साइड पे काम करने के लिए, वो तो मेरी खुशकिस्मती नहीं थी, सब मार्क मार के साथ में काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ पे काम कैसे होता है, आर्कियोलॉजी फील्ड आर्कियोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हमने जो 3 साल जो हमने पढ़े हमें पता नहीं था कि आर्कियोलॉजी कैसे फील्ड वर्क कैसे होता है। अभी ये हमारी खुशकिस्मती भी है, हम सर मार्क के साथ काम कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा लगा कि जैसे जो जो हमें पोर्ट्री वगैरह जो मिली वो हमें कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे उसको पहचाना जाता है, क्या उस पर चीज़ें होती है ऊपर से, जो उस पर अंदर मटेरियल जो यूज़ हुआ होता है, सर ने वो भी हमें बताया कि वो एक सर के पास स्कोप था जो हम उसको देखते थे कि पता चलता था कि उसमें क्या क्या चीज़ें क्या मटेरियल उसमें यूज़ हुआ हुआ है। तो ये साइट बहुत अच्छी साइट है, अभी सर तो क्लोजिंग के डेज चल रहे हैं, इंशाल्लाह जो अगर फिर हमें मौका मिला तो हम फिर आएंगे यहाँ पे, और जो स्टूडेंट दूसरे भी हैं हमारी तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो भी हमसे रब्ता करें, राज भाई से रब्ता करें, फिर वो भी उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो हमारे साथ काम करें। थैंक यू।
आए तो ज़रा चलते हैं देखते हैं। सारी मिली और हम इस वक्त जो ये बंद करवा रहे हैं इसका मकसद ये है कि कोई इससे छेड़खानी ना करे, बाद में फिर ये आसानी से खोली जा सकती है अगर